स्टारप्लस के दोपहर सेगमेंट में यूं तो चार नए शोज की शुरुआत हो चुकी है। हर शो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से दर्शक बहुत जल्दी ही जुड़ चुके हैं इन चारों शोज से। लेकिन एक शो है जो कई मायनों में बाकी शोज से है एकदम अलग। वो शो है क्या कसूर है अमला का, एक ऐसी लड़की की जिंदगी की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में न जाने क्या कुछ सहा है अपना शारीरिक शोषण होने के बाद। इस शो में अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब शो के अंदर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो वाकई समाज के लिए एक आईना है, या कहें कि जो समाज को आईना दिखा रहा है। और कई बड़ बोले नेताओं के मुंह पर खींच कर तमाचा भी है जो लड़कियों को सुरक्षा देने की जगह खुद उनके चरित्र पर सवाल खड़े करने लगते हैं। आपको बता दें कि शो के अंदर जिस तरह से कहानी घूम रही है उससे तो यही लग रहा है कि जैसे वही सब कुछ दिखाया जा रहा हो जो एक लड़की सचमुच झेलती है। कुछ अमीरजादों का एक मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना और फिर उसको मरने के लिए छोड़ देना, और क्योंकि वो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास पावर है, तो इसी वजह से न्याय के नाम पर जो चिड़िया होती है उस चिड़िया को ये लोग कुछ इस तरह उड़ा देते हैं जैसे कि कभी उस चिड़िया का नाम तक ना सुना हो, कभी उस चिड़िया को देखा तक ना हो, और ना ही वो चिड़िया कभी आकर बैठी है उनके आसपास। और इन सब में जो पिसती है वो सिर्फ वो लड़की होती है जिसके साथ बीता होता है इतना कुछ, जिसने इतना कुछ सहा होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है शो के अंदर, जहां उन तीनों अमीरजादों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं उनके अमीर माँ बाप और रिश्तेदार। लेकिन क्या इन सबके बीच एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती अमला को नहीं मिल पाएगा इंसाफ? क्या अमला की अस्मिता को लूटने वाले गुनहगारों को कभी नहीं मिलेगी उनके किए की सजा? क्या इस आग में हमेशा अमला के लिए ही झुलसती रहेगी? आखिर क्या कसूर है अमला का? टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।